हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास यूकेएसएससी की ओर से आपके लिए दो खुशखबरी हैं। जी हाँ, पहले जो खुशखबरी है आपकी वो है आपकी जेब के लिए, यानी कि जी हाँ, आप वन टाइम फ़ी पे करके आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। जी हाँ, कई बार ऐसा आपको देखने को मिलता है, या जो इस समय भी कई सारी पोस्ट आ रखी है यूकेएसएससी की ओर से, उस पर आप मल्टीपल पोस्ट तो बहुत सारी होती है और आप एलिजिबल भी होते हो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, लेकिन जब आपका मन करता है उसको फिल करने के लिए तो आपको उस हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट करनी होती है और आपको अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम का भी वेट करना होता है। लेकिन यूकेएसएससी ने एक और नई अपनी नोटिफिकेशन निकाली है, मतलब ऑफिशियल तो नहीं है अभी तक, लेकिन जो न्यूज़पेपर सोर्सेज हैं उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ, और एक आधे दिन में जो अब इनकी वेबसाइट पे भी आ जाएगी। तो उस पर ये होता है कि आपको वन टाइम पेमेंट करनी है 300 रुपये की, और उसके बाद क्या करना है कि आपका सपोज़ कीजिए कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा है 10.1 का और आप एलिजिबल हो उस पर दिए गए 4 या 5 पोस्ट के लिए, तो आप उनमें से सभी पोस्ट पे अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, यानी कि उसको फिल कर सकते हो, और वन टाइम 300 रुपीज़ देने के बाद आपका जो है एक सिंगल एग्ज़ाम पैटर्न होगा और आप उसके लिए अपेयर होके उन सभी पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम के साथ उसको क्लियर कर सकते हो। जी हाँ, मगर डिफरेंस ये होगा कि आपने सपोज़ कीजिए आपने कनिष्ठ सहायक के लिए भी एप्लीकेशन फिल की है और उसके बाद आपने एप्लीकेशन फिल करी है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो उसकी दोनों की अलग अलग मेरिट होगी और उसके बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा। तो जैसे कि अभी भी कई सारी जॉब्स आ रखी हैं, 179 जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो कनिष्ठ सहायक की थी तो उस पर भी कई सारे एलिजिबिलिटी थी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो थी वो मैच करती थी एक जैसी, तो आप एक ही बारी में आप उसको अप्लाई कर सकते हो और 300 रुपये दे के, और उस पर आपको सिर्फ करना है क्या, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको टिक कर देना है वो वाली जॉब जो आपको पसंद है उनमें से, और जब एग्ज़ाम होगा तो आपको एक एग्ज़ाम देना है और आपके जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट निकलेगा। और जो हाँ, इसके साथ ही जो LT और जो इस समय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे जो थी उस पर भी आपका सेम फंडा है इस समय। सपोज़ कीजिए आपने हिंदी और इंग्लिश के लिए आप फिल करना चाहते हो, या फिर हिंदी या संस्कृत के लिए जो भी वट एवर आपका जो जिस पे आप एलिजिबल हो, तो आप उसको एक ही टाइम फी पे करके आप उसके लिए एलिजिबल हो और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका एक ही दिन एग्ज़ाम होगा और उसी के बेसिस पे आपको मतलब सेलेक्ट किया जाएगा। जो आपकी जो दूसरी अपडेट है वो है आपकी, नहीं बताता हूँ जो दूसरी खुशखबरी है, चलिए बताता हूँ। जो दूसरी खुशखबरी ये है कि जो उन्होंने 3000 जॉब्स, यानी कि 2500-3000 जो जॉब निकालने का वादा ही गया था उसको पूरा करते नज़र आ रहे हैं, और आने वाले कुछ एक या दो महीने में और 3000 जॉब निकालने की उन्होंने बात करी है, और वो भी कुछ इसी तरीके से होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो डिले चल रहा था UKSSC का जॉब्स के लिए, लगभग 2.5 साल से वो काफ़ी अप डाउन चल रही थी, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करते वो काफ़ी आगे अब कोशिश प्रोसेस चल रही है, तो शायद एक या दो महीने के अंदर, यानी कि नवंबर दिसंबर या दिसंबर जनवरी के तक और सारी कई सारी पोस्ट आ जाएंगी, और जिस तरीके से अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो शायद उम्मीद है कि कई सारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी जल्दी डिक्लेयर होंगे और कई सारे पोस्ट का एग्ज़ाम्स भी होगा। तो आज के लिए मेरी ओर से यही दो अपडेट्स थी, और आप बने रहिए मेरे से चैनल के साथ और देखते रहिए मेरी कई सारी और वीडियोस, और मेरी ओर से आप सभी को गुड लक, और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, लाइक सब्सक्राइब इट्स योर ऑन चॉइस, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।